नमस्ते। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी स्टेबलाइजर के साथ जो लो वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है उसे आप किस तरह से फिक्स कर सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसबाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके जरूर से चेकआउट करके देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर लो वोल्टेज की वजह से क्या क्या इश्यू हो सकता है एसी के साथ, उसके बारे में बात कर लेते। सबसे पहले जो कूलिंग एफिशिएंसी है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, एसी को ज्यादा टाइम लगेगा रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करने में, और एसी जो है सही तरीके से कूलिंग ही नहीं कर पाएगा। तो अगर आप लो वोल्टेज में ज्यादा लंबे टाइम तक एसी को यूज करोगे तो एसी का जो कूलिंग एफिशिएंसी है रिड्यूस हो जाएगा, एसी को जो है ज्यादा लोड पड़ेगा एसी के ऊपर एंड एसी जो है सही तरीके से काम नहीं करेगा एंड बढ़िया जो है कूलिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो कंप्रेसर है उसमें जो है इम्पैक्ट पड़ता है, अगर लो वोल्टेज में एसी काम करेगा तो कंप्रेसर के ऊपर जो लोड है यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, जिससे कंप्रेसर जो है ओवरहीट भी हो सकता है, जिससे कंप्रेसर का जो लॉन्गजिविटी है यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। तो कंप्रेसर में जो है इम्पैक्ट देखने को मिलता है अगर लो वोल्टेज में अगर आप एसी को लगातार यूज करते हो तो। प्लस जो सर्किट ब्रेकर है उसमें भी जो है यहाँ पर ऑन हो सकता है, जिससे जो है लो वोल्टेज में एसी ऑन करते ऑटोमेटिकली एसी बंद हो जाए। तो अगर सर्किट ब्रेकर ऑन हो जा रहा है तब जो है एसी काम नहीं करेगा, एसी ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगा। प्लस अगर आप लो वोल्टेज में लगातार इसको यूज करते हो तो एसी का जो लॉन्गजिविटी है वह रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एसी में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उसमें जो है ज़्यादा लोड पड़ रहा है, ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, इससे जो है एसी का जो लॉन्गजिविटी है रिड्यूस हो जाएगा एंड एसी जो है कुछ टाइम के बाद जो है उसमें इश्यूज देखने को मिल सकता है। प्लस मेन जो रीज़न है अगर आप एसी को लो वोल्टेज में यूज़ करते हो तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि लो वोल्टेज में एसी को यूज़ कर रहे हो, एसी जो है ज़्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा है एंड जिससे अल्टीमेटली आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना होगा। तो लो वोल्टेज में एसी को यूज़ करने से जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, एसी में इश्यू देखने को मिल सकता है। प्लस जो कूलिंग है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। ना फिलहाल बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सबसे इजी सॉल्यूशन है, इसमें आप जो है एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आप एक बढ़िया क्वालिटी का एक वोल्टेज स्टेबलाइजर को इंस्टॉल करते हो जिससे जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह हो रहा है उससे जो है एसी को प्रोटेक्ट करेगा एंड एसी का जो लॉन्गजिविटी है उसे इंक्रीज करेगा। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंडेड करूंगा, आप अगर आपके एरिया में काफ़ी हद तक वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब आप जरूर से एक वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीद लेना, क्योंकि वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह होता है उससे जो है प्रोटेक्ट करता है, एसी का साथ जो कंपोनेंट्स वगैरह है उसका जो लॉन्गजिविटी है उसे भी इम्प्रूव करता है। प्लस सही स्टेबलाइजर सिलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ऐसा स्टेबलाइजर सिलेक्ट करना होगा जो कि एसी के साथ जो है काम कर पाए। ऐसा स्टेबलाइजर सिलेक्ट मत करना जैसे कि आप अगर आपके पास 2 टन का एसी है, अगर आप जो है 1.5 टन का जो स्टेबलाइजर यूज करोगे तो जो स्टेबलाइजर है सही से काम नहीं करेगा। सही एसी के लिए सही स्टेबलाइजर यूज करना काफी जरूरी है। 2 टन एसी के लिए 2 टन का ही स्टेबलाइजर चाहिए, 1.5 टन एसी के लिए 1.5 टन का ही जो स्टेबलाइजर चाहिए, उससे कम अगर होगा तो स्टेबलाइजर जो है सही से काम नहीं करेगा, जो लोड हैंडल करना चाहिए वो लोड को जो है सही से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो सही स्टेबलाइजर सिलेक्ट करना जरूरी है जिससे जो वोल्टेज वगैरह जो है जो लोड वगैरह है सही से हैंडल कर सके एंड एसी का जो लॉन्गजिविटी है उसे इम्प्रूव कर सके। प्लस जो स्टेबलाइजर है यहाँ पर स्टेबलाइजर खरीदने के बाद भी अगर लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो स्टेबलाइजर उसे चेक करना जरूरी है। कुछ कुछ टाइम स्टेबलाइजर के साथ ही जो है लो वोल्टेज का जो है इशू देखने को मिलता है, तो स्टेबलाइजर वगैरह को जो है रिपेयर कर सकते हो, उसमें अगर कोई पार्ट्स वगैरह है अगर उसमें कोई इशू है उसे भी जो है रिप्लेस वगैरह और रिपेयर वगैरह करना जरूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर रेगुलर एसी को जो है मेंटेनेंस करना जरूरी है, एसी के साथ साथ जो स्टेबलाइजर वगैरह है उसे भी जो है रेगुलर मेंटेनेंस करना जरूरी है। स्पेशली जो है यहाँ पर एसी के आसपास स्टेबलाइजर के आसपास जो डस्ट वगैरह होता है उसे जो है क्लीन करना जरूरी है, जिससे जो है प्रॉपर एयर फ्लो हो सके, जिससे जो स्टेबलाइजर वगैरह जो है ओवरहीट ना हो, जिससे जो एसी वगैरह जो है ओवरहीट ना हो। तो रेगुलरली
इसको एंड स्टेबलाइजर को मेंटेनेंस करना जरूरी है, क्लीन करना जरूरी है, जिससे जो है स्टेबलाइजर एंड एसी जो है सही तरीके से काम कर सके एंड कोई भी ओवरहीटिंग के रिलेटेड इश्यू देखने को ना मिले। एंड जरूर से एसी को, नया एसी को इंस्टॉल करने के दौरान जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह है उसे भी चेक करना जरूरी है, जो एसी का लोड हैंडल कर सके ऐसा जो वायर वगैरह है उसके साथ ही जो एसी को इंस्टॉल करना चाहिए। अगर जो वायरिंग वगैरह है काफ़ी पुराना हो गया है और अगर वायरिंग सही से नहीं हो रहा है जिससे जो है एसी का जो वोल्टेज है ड्रॉप हो सकता है, इसमें जो है लो वोल्टेज के रिलेटेड इशू देखने को मिल सकता है, तो जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह है जो है सही होना चाहिए, उसे चेक करना जरूरी है। एसी का जो लोड है हैंडल कर सके ऐसा वायरिंग यूज़ करना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का जो है वायरिंग यूज़ करना चाहिए जिससे जो है कोई भी वोल्टेज ड्रॉप का जो है इशू देखने को ना मिले। तो जो वायरिंग वगैरह है, जो कनेक्शन वगैरह है, उसे जो है चेक करना जरूरी है। अगर कोई वायरिंग में इशू है, अगर लूज वगैरह हो गया है, तो उसे जो है रिपेयर और रिप्लेस करना जरूरी है। एंड जो कनेक्शन वगैरह है एसी के साथ स्टेबलाइजर का, उसे भी जो है चेक करना जरूरी है एंड जिससे जो लो वोल्टेज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो इनपुट वोल्टेज है उसे भी चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर जो मल्टीमीटर है उसके साथ भी जो स्टेबलाइजर से वोल्टेज आ रहा है उसे भी चेक कर सकते हो। अगर जो वोल्टेज काफ़ी कम है तो आप समझ लेना ये जो इशू है यहाँ पर शायद स्टेबलाइजर के साथ भी इशू हो सकता है और जो पावर ग्रिड है उसके साथ भी इशू हो सकता है। तो इनपुट वोल्टेज जो उसे भी चेक करना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पर जो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्विचर करके जो ऑप्शन है उसे भी यूज़ कर सकते हो, जो डिवाइस है उसे भी यूज़ कर सकते हो। इस डिवाइस के साथ जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर जो है स्विच ऑफ हो जाएगा एसी अगर वोल्टेज काफ़ी कम हो जाता है तो आप जो है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्विचर करके जो डिवाइस है इसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर वोल्टेज काफ़ी कम है तो ऑटोमेटिकली एसी जो है बंद हो जाएगा, जिससे एसी में कोई भी जो है इशू वगैरह और प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अगर जो है कुछ टाइम जो है एसी में ही जो है कुछ इशू देखने को मिलता है, अगर स्टेबलाइजर में कोई इशू नहीं है तो शायद एसी के साथ ही कोई इशू हो सकता है। तो अगर आप एसी को सही तरीके से जो है मेंटेनेंस करते हो अगर यहाँ पर, तो इस तरह की कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो एसी का जो परफॉर्मेंस है उससे भी जो है प्रॉपर चेक करना जरूरी है। एंड इसके अलावा आप सिंपली जो टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, उसके साथ भी जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसके साथ आपको जो है बेटर जो है जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने को मिलेगा, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर डेफिनेटली जल्दी से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टेबलाइजर है उसे सिलेक्ट करने के दौरान आपको ऐसा जो स्टेबलाइजर सिलेक्ट करना चाहिए जिसका जो वोल्टेज रेंज हो काफ़ी वाइड हो, जैसे कि 150 वोल्टेज से 290 वोल्टेज तक सपोर्ट करे, जिसमें अगर इसका वोल्टेज काफ़ी कम भी हो जाए, अगर वोल्टेज काफ़ी कम भी हो जाए तो एटलीस्ट एसी जो है काम कर सके। तो एक वाइड वोल्टेज रेंज वाला स्टेबलाइजर खरीदना, प्लस यहाँ पर जो पावर रेटिंग वगैरह है उसे भी जो है चेक करना जरूरी है। जो एसी है एसी के हिसाब से जो है आपको स्टेबलाइजर खरीदना चाहिए। बाकी जो टाइम डिले का जो फीचर्स है ये भी काफ़ी सही है, इससे जो है कंप्रेसर वगैरह जो है प्रोटेक्ट रहता है, प्लस डिजिटल डिस्प्ले होना चाहिए एंड थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन वगैरह फीचर्स तो होना ही चाहिए। अगर फिर भी लो वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है फिक्स नहीं हो रहा है, जो थ्री फेस कनेक्शन है उसमें जो है पर अपडेट कर सकते हो। अगर आपके घर में मल्टीपल एसी वगैरह देखने को मिलता है तो आप डेफिनेटली जो है थ्री फेस कनेक्शन में जो है अपडेट कर सकते हो, और सिंपली जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपके घर में जो है लो वोल्टेज के रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो। एनीवे, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।